हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन में मल्टी विंडो फीचर को किस तरह इनेबल कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने अपने फोन में किया हुआ है, वो भी बिना रूट के। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पहले से कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फ्लोटिंग विंडो, जो आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जब इसे आप इसे ओपन करेंगे तो इसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ से आपको कुछ परमिशन मांगेगा तो इसे यहाँ से अलाउ कर देना है। परमिशन मांगने के बाद इसे फिर से नेक्स्ट करेंगे तो देख सकते हैं इसका ये जो डेस्कटॉप है कुछ इस तरह का आ रहा है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन एक्शन एक्टिवेट विंडो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप साइड में एक यहाँ पे एक फ्लोटिंग विंडो आ गई है। अगर आप इसे यहाँ से टैप करेंगे तो ये इस तरह का कुछ खुल जाएगा। यहाँ पे आप इसमें से कोई से भी ऐप चूज करके उसे आप मल्टी विंडो की तरह यूज कर दे। जैसे कि मैंने ये यूट्यूब खोला है, देखिए ये यूट्यूब तो हमारा ऑन हो जाएगा जब तक मैं कोई दूसरी एप्लीकेशन आपको खोल के दिखाता हूँ। एक ये जैसे कि मैं इसमें अब कैमरा ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहा कैमरा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से ये परमिशन मांग रहा है, पहले आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। और ये देखिए कैमरा जो है ओपन हो चुका है। इस तरह से आप जितनी चाहे उतनी विंडो को एक साथ खोल करके अपने फ़ोन में रन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कर देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगी और ऊपर आपको शो करेगी आपने कितनी विंडो ओपन की है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, फ्लोटिंग विंडो में जाना है। इसमें आप खुद की ऐप ऐड करने के लिए माई ऐप्स में जाना है, प्लस में जाएंगे तो यहाँ से क्रिएट विजिट ऐप में जाना है। यहाँ से जाके आप अपने कोई सा भी सिस्टम अपना ऐप चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने चूज करा गैलरी। यहाँ से कोई भी फोटो सेलेक्ट करीजिए और उसको यहाँ से सेव कर दीजिए। अब दोस्तों अगर आप वहां से ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कि जो आपका गैलरी वाला ऐप था वो इसमें शो कर रहा है, देखिए फोटो गैलरी। और यहां से ओपन करेंगे तो ये विजिट की तरह ओपन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आप इसमें अपने ऐप्स ऐड करना चाहें तो उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपने फ़ोन में से ज़रूर ट्राई करेंगे।